IS कोड 2720 पार्ट 40। तो इसमें विशेष क्या होता है, इस टेस्ट का पर्पज ये होता है जब सॉइल को पानी से रिएक्ट कराया जाए या पानी में डाला जाए तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, तो वो वॉल्यूम चेंजेस पता करने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं। तो मेनली जो क्या होता है, हाईवे में अगर आप कोई भी सॉइल यूज कर रहे हैं, अगर उसका फ्री सॉइल इंडेक्स 50% से ज़्यादा है तो फिर उसका 50% से कम ही रहना चाहिए, जो कि और क्राइटेरिया है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब बताएंगे। तो बेसिकली आपको प्रोसीजर बताते हैं कैसे क्या करना है। इसके लिए आपको दो सिलेंडर लेने हैं, और इसमें क्या करते हैं कि एक करेंगे वाटर के करस्पॉन्ड सॉइल का देखेंगे इंडेक्स, एंड उसके करस्पॉन्ड देखेंगे केरोसिन ऑयल में डालने के बाद सॉइल में कितना वॉल्यूम चेंज आता है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस से ही आप कैलकुलेशन करते हैं फ्री सॉइल इंडेक्स की। सबसे पहले हमने इसको वेट कर लिया 10 ग्राम 425 माइक्रोन से। इसको हम क्या करेंगे, बीकर में डालेंगे, बीकर में डाल दिया एक, सेम दूसरे वाले बीकर में डालेंगे। क्या करेंगे इसमें, एक बीकर में क्या करेंगे, आप पानी भर देंगे इसे पूरा, ये 50-50 ml की हमने बीकर लिए हैं। और एक बीकर में आप केरोसिन ऑयल डाल देंगे, जो कि हम देख रहे हैं ऑयल डाल रहे हैं इस समय। इसको प्रॉपर सेक करा देंगे। अब इसको 24 आवर्स के लिए सेटलमेंट के लिए रखेंगे, एंड देन 24 आवर्स बाद देखेंगे कि इसमें कितना इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है वाटर के करस्पॉन्ड एंड केरोसिन के करस्पॉन्ड। तो अब 24 आवर्स बाद देखते हैं क्या होता है। तो आफ्टर 24 आवर्स के बाद सेटलमेंट हो चुका है हमारा, और हम इसमें बस रीडिंग नोट करेंगे। जैसे कि ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला केरोसिन ऑयल वाला जिसमें हमने सबमर्ज की थी सॉइल, वो है, और ये वाटर वाला है। तो जो कि इसमें हमारी केरोसिन के अंदर जो है उसकी जो रीडिंग है वो 7 है, और जो वाटर के अंदर डिस्टिल वाटर के अंदर हमने जो डाल रखी थी उसकी 8 है। तो यहाँ पे देख पाए, देखें कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे BD क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर, एंड वॉल्यूम ऑफ BK, वॉल्यूम ऑफ केरोसिन में जो थी। तो BD-BK अपॉन BK × 100। तो हमारी जो डिस्टिल वाटर थी वो 8 mm थी, एंड केरोसिन में 7 थी अपॉन 7 × 100। तो जो कि हमारी फ्री सॉइल इंडेक्स आई 14.28% कैलकुलेशन करने के बाद। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हम इसमें टेस्ट करते समय केरोसिन ऑयल का ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो केरोसिन ऑयल का हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि केरोसिन ऑयल में ना कि हमारी सॉइल ना ही घुलती है, ना ही सॉइल केरोसिन के साथ रिएक्ट करती है। सबसे बड़ा फायदा यह है। आप क्वेश्चन आ रहा होगा पेट्रोल क्यों नहीं यूज कर सकते या और कोई लिक्विड क्यों नहीं यूज कर सकते। तो सबसे बड़ा वही रीजन है कि ऐसा हमें लिक्विड चाहिए जो कि सॉइल उसके साथ रिएक्ट ना करे, ना घुले। और पेट्रोल हम इसलिए नहीं यूज करते वो, क्योंकि वो उड़ जाता है। अगर आप 24 आवर्स के लिए करेंगे तो क्या पता सारा ही उड़ जाए और उसके साथ रिएक्ट करेगा काफ़ी। तो इसलिए हम केरोसिन ऑयल ही इसका यूज करते हैं। एक नोट, इम्पोर्टेंट चीज़ और, एज पर IRC 75/2015 page 13 पर ये दे रखा है, अगर आपकी लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा है टेस्ट की, तो आपको फ्री सॉइल इंडेक्स जरूर करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।